मॉर्निंग क्लास सेवन इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। आप जब भी कोई वीडियो देखे मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जिससे आंखों का नुकसान ना पहुंचे। और एक बात जैसे कि आपको पता है आपका रिजल्ट चल रहा है तो ये वर्ड जिन बच्चों का पूरा है उन्हें केवल याद करना है और जिसका काम पूरा नहीं है उसको कॉपी में उतार के याद करेंगे। चैप्टर नंबर वन है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की क्रांति, कंप्यूटर का कैसे कैसे हमने प्रयोग किया। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। देखिए कंप्यूटर शब्द जो आया है वो आया है ग्रीक भाषा से। ग्रीस क्या है? ग्रीस की एक लैंग्वेज है, ग्रीस एक देश की भाषा है ग्रीक, उससे वर्ड आया है कंप्यूट विच मीन्स इसका मतलब क्या होता है कैलकुलेट करना यानी कुछ भी आप गणना करते हैं जो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं वो होती है कंप्यूटिंग। बात करते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। फंक्शन क्या होता है? कंप्यूटर किस पर काम करता है यानी हो सकता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर काम क्या होता है? IPO यानी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट द वर्क विच इज गिवन टू ए कंप्यूटर इज इनपुट यानी कंप्यूटर को दिया गया कोई भी कार्य इनपुट कहलाता है। प्रोसेस वर्किंग ऑन द गिवन डाटा इज नोन एज प्रोसेस यानी जो काम आपने दिया है उसके बाद जो उसके ऊपर वो कैलकुलेशन करता है काम करता है वो होता है आपका प्रोसेस। आउटपुट द रिजल्ट विच वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग जब कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है जो आंसर हमें मिलता है वो होता है आपका आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े क्या हुए इनपुट। आप मशीन में डालते हैं मशीन को वॉश करती है तो वो क्या हुआ प्रोसेस। और जो धुलने बाद आपको साफ कपड़े मिलते हैं वो होता है आउटपुट। या आप बनाना शेक बनाते हैं बनाना शेक के लिए आपने बनाना लिया शुगर लिया और मिल्क लिया वो हुआ आपका इनपुट। आपने विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर उसे ग्रिंड किया वो क्या हुआ आपका प्रोसेस। और जब वो फैट हो जाता है मिक्स हो जाता है वो होता है आपका जो आपको शेक मिलता है वो होता है आपका आउटपुट। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या क्या विशेषता होती है? स्पीड इसकी जो काम करने की जो गति होती है बहुत तेज होती है। एक्यूरेसी कंप्यूटर को दिया गया कोई भी कार्य एक्यूरेट एकदम सही होता है। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी जो भंडारण क्षमता है उसमें आप कितने डाटा स्टोर कर सकते हैं। वर्सेटाइल यानी बहुमुखी है आप एक समय में अनेक काम कर सकते हैं। मल्टीपर्पज वही है कि आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। यूजर फ्रेंडली आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके फ्रेंड के साथ आप काम कर रहे हैं इसमें काम करते हुए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रिडक्शन इन मैन पावर देखिए इसने जो इंसान का जो वर्कलोड है उसको भी कम कर दिया है ये सब काम अपने ऊपर कर सकता है। और रिडक्शन के पावर जो भी काम आप जैसे देख सकते हैं हम पेपर भी लिखते थे हम डायरेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं तो उसे भी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी है विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर हमें ये सब सुविधाएं हमें प्राप्त हुई है। ये वर्क आपको उतारने के साथ साथ याद भी करना है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।